आज से कटिहार नगर निगम के हर वार्ड का विकास उस वार्ड के निगम पार्षद के हाथ में आ गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज कटिहार नगर निगम ने अपने सशक्त अस्थायी कमेटी की बैठक में वह प्रस्ताव पारित कर दिया जिसकी मांग कटिहार के निगम पार्षद कई महीनों से कर रहे थे। कल सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के बाद आज नगर निगम सशक्त कमेटी की बैठक में उस प्रस्ताव को कानूनी अमली जामा पहना दिया गया। खासकर इस मुद्दे को लेकर आज कटिहार नगर निगम परिसर में निगम पार्षदों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस सशक्त अस्थायी कमेटी की बैठक में समिति से यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि पंचम, षष्ठम, चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोग की निधि तथा नगर निगम के संचित कोष से कटिहार नगर निगम के सभी 45 वार्ड पार्षदों को 1-1 करोड़ का फंड दिया जाएगा। साथ ही इसी कोष से उपमेयर को 1.5 करोड़ का फंड और मेयर को 2 करोड़ का फंड दिया जाएगा। इस राशि का उपयोग सभी निगम पार्षद अपने अपने वार्ड के विकास हेतु करेंगे। इसके अलावा कटिहार नगर निगम अन्य फंडों से प्राप्त राशि से भी सभी वार्डों के विकास के लिए अलग राशि खर्च करेगा। ये विशेष बैठक जो हुई थी बोर्ड की, उसमें किन बातों को निर्णय लिया गया मुख्य रूप से? बहुत ही ऐतिहासिक दिन आज हमारे निगम में निगम पार्षदों के द्वारा विशेष बैठक में एक अभियान के तहत हम लोगों ने अपना पार्षद निधि का आह्वान किया, जिसे हमारे नगर निगम के अंदर में स्टैंडिंग कमेटी एवं माननीय महापौर, उप महापौर, माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद एवं सभी पार्षदों के सहमति से पार्षद निधि को तय किया गया। क्योंकि पार्षद निधि एक ऐसी निधि है जिससे, जिस तरह आप जानते हैं विधायक निधि, सांसद निधि, उसी तरह एक कानून संविधान के अंदर में वार्ड के स्तर पर पार्षद निधि को तय किया गया। पार्षद निधि होने से क्षेत्र का विकास बहुत तेजी से होगा। किसी भी तरीका का जो भी विशेष बैठक में उपस्थित सभी पार्षदों ने ध्वनि मत के साथ सभी उपस्थित पार्षदों ने इसे अनुमोदित कर इसे पास कर दिया कि कटिहार में अब जो भी कार्य होगा वार्ड वाइज उसका संलेख बनाकर नगर आयुक्त को मेयर मैडम की अध्यक्षता में ये अधिकृत किया गया बोर्ड से पास करने के बाद कि इसका आलेख बनाकर और पटना में कैसे हुआ उसकी मार्गदर्शिका का अवलोकन कर इसको यथाशीघ्र इसको लागू कर इसका क्रियान्वयन किया जाए, और सदन ने बहुमत से पार्षद निधि को आज लागू कर दिया। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि काम जो है समावेशी विकास वार्ड स्तर निचले पायदान पर इस कार्य के होने से आपको आने वाले समय में कटिहार में देखने को मिलेगा।